हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुकेशन हब मानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 8 चल रहा था, कार्बन एवं उसके यौगिक, जिसमें अपन पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन का नामकरण। हाइड्रोकार्बन के नामकरण की तीनों पद्धतियां जो है उनका अध्ययन कर लिए थे। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे एल्केन श्रेणी का नामकरण। एल्केन श्रेणी का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, उसमें सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि एल्केन श्रेणी के जो यौगिक हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। इसमें पहली है, इस श्रेणी के यौगिकों में कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, यानी कि एल्केन श्रेणी जो है उसके यौगिक की पहली विशेषता जो है वो है कि इसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। दूसरी विशेषता है, इस श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। CnH2n+2 में n जो है वो कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर निर्धारित होता है, यानी कि पूर्णलग्न जो है उसके आधार पर निर्धारित होता है। तीसरी विशेषता आती है, इस श्रेणी में अनुलग्न जो है एन लगता है। इस श्रेणी में अनुलग्न एन लगता है। अगली विशेषता आती है, इस श्रेणी के यौगिकों को पैराफिन्स कहते हैं। ये श्रेणी जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, अर्थात ये कहें कि इस श्रेणी के जो यौगिक हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के होते हैं। अब बात आती है इनके नामकरण की। नामकरण के लिए कुछ सामान्य नियम होते हैं, जिसमें पहला नियम है एल्केन श्रेणी में जो यौगिक दिया हुआ है हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, उसमें मुख्य श्रृंखला का चयन करते हैं। पहला है मुख्य श्रृंखला का चयन करते हैं। मुख्य श्रृंखला का चयन करने के लिए हमें दो बातें ध्यान में रखनी होती हैं। नंबर एक, मुख्य श्रृंखला का चयन करते समय हम मुख्य श्रृंखला के रूप में उसे मानेंगे जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या सर्वाधिक हो। कार्बन परमाणु की संख्या सर्वाधिक हो या सर्वाधिक लंबी। मुख्य श्रृंखला को चयनित करने के लिए दो बातें ध्यान में रखनी होती है। पहली बात, मुख्य श्रृंखला का चयन करते समय हमें मुख्य श्रृंखला उसे मानेंगे जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या सर्वाधिक हो, यानी कि सबसे आगे सबसे लंबी जो श्रृंखला होगी वो मुख्य श्रृंखला के रूप में मानी जाएगी। दूसरी शर्त है, मुख्य श्रृंखला के रूप में जाने वाली श्रृंखला में प्रतिस्थापी सर्वाधिक होने चाहिए।
एल्केन श्रेणी के नामकरण में जो नियम काम में आएंगे उसमें सबसे पहला है कि मुख्य श्रृंखला का चयन करते हैं। मुख्य श्रृंखला का चयन करने के लिए हमें दो शर्तें ध्यान में रखनी होंगी। पहली शर्त है कि कार्बन परमाणु की संख्या सर्वाधिक होनी चाहिए। दूसरी है कि मुख्य श्रृंखला के रूप में उसे मानेंगे जिसमें प्रतिस्थापी की संख्या सर्वाधिक हो। अब यहाँ एक शब्द आया है प्रतिस्थापी। पहले प्रतिस्थापी को समझते हैं कि प्रतिस्थापी होता क्या है। प्रतिस्थापी मुख्य श्रृंखला के बाहर शेष बचे समूह प्रतिस्थापी कहलाते हैं। जिसे हम मुख्य श्रृंखला मानते हैं उसके बाहर जो भी समूह बच रहे वो सभी समूह प्रतिस्थापी कहलाते हैं, जैसे CH3 मेथिल, C2H5 एथिल, C3H7 प्रोपिल, CH3 CH आइसोप्रोपिल। इसी प्रकार C4 H9 ब्यूटिल, CH3 CH3 CH CH4। ये हो गया आइसो ब्यूटिल। इसी प्रकार Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, नाइट्रो क्लोरो आयरो, ये कुछ सामान्य प्रतिस्थापी हैं। प्रतिस्थापी मुख्य श्रृंखला के बाहर बचे समूह हैं। मुख्य श्रृंखला चयनित होने के बाद जो बाहर समूह बचते हैं वो प्रतिस्थापी कहलाते हैं, जैसे CH3 बच गया, C2H5 बच गया, C3H7 बच गया, ये मैथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, आइसो प्रोपिल है। यहाँ ये जो समूह है ये आइसो है, आइसो प्रोपिल है, ब्यूटिल है, आइसो ब्यूटिल है, Cl जुड़ा हुआ है, क्लोरो है, ब्रोमो है, नाइट्रो है, क्लोरो है, आयोडो है, ये सभी प्रतिस्थापी हैं। ये प्रतिस्थापी मुख्य श्रृंखला के बाहर शेष बचे होते हैं। जो प्रतिस्थापी होते हैं इनको लिखते हैं तो पूर्व लग्न के रूप में लिखा जाता है, लेकिन इनको पहले लिखा जाता है। इसके बाद में वापस अपना जो टॉपिक है एल्केन श्रेणी का नामकरण, उसका जो नियम चल रहा था मुख्य श्रृंखला का चयन, इसमें बीच में आ गया था प्रतिस्थापी किसे कहते हैं और प्रतिस्थापी होता क्या है। इसके बाद में दूसरा है, जैसे ही मुख्य श्रृंखला का चयन हो जाता है उसके बाद में करते हैं मुख्य श्रृंखला का अंकन। मुख्य श्रृंखला का अंकन मुख्य श्रृंखला का चयन करते समय हमें दो बातें ध्यान में रखनी है, यानी दो शर्तें हैं। उन शर्तों के द्वारा जैसे ही मुख्य श्रृंखला चयनित हो जाती है उसके बाद में उसका अंकन करते हैं। अंकन यानी कि नंबरिंग, जो कार्बनिक यौगिक दिया हुआ है उसके ऊपर अपने को नंबर डालने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। कार्बन परमाणु की जो संख्या है उसको अपने को काउंटिंग करना है, 1 2 3 4 5, उसमें जितने भी कार्बन परमाणु दिए हुए हैं उन सभी के ऊपर अपने को नंबर डालना है। नंबर डालने के लिए नंबर उस दिशा से डालेंगे जिधर से सबसे कम अंक प्रतिस्थापी को मिले, यानी कि नंबर या अंकन मुख्य श्रृंखला का अंकन।
का अंकन हम उस दिशा से करेंगे जिस दिशा से प्रतिस्थापी को सबसे कम अंक मिले। मुख्य श्रृंखला अंकन हम उस दिशा से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी को सबसे कम अंक मिले। यही प्रतिस्थापी एक से अधिक है, और समान है, तो उनके लिए या उनकी संख्या के लिए प्रयुक्त शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे एक है तो मोनो, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, चार है तो टेटा, पांच है तो पेंटा, छह है तो हेक्सा, सात है तो हेक्टा, आठ है तो ओक्टा, नौ है तो नोना और दस है तो डेका। इस प्रकार से यदि मुख्य श्रृंखला में एक से अधिक प्रतिस्थापी आते हैं तो उनकी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए ये प्रयुक्त शब्द जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। एक के लिए मोनो, दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, पांच के लिए पेंटा, छह के लिए हेक्सा, सात के लिए हेप्टा, आठ के लिए ओक्टा, नौ के लिए नोना और दस के लिए डेका। यदि समान आते हैं तो यदि एक से अधिक प्रतिस्थापी आते हैं और वो असमान आते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहले आने वाला प्रतिस्थापी उसको पहले अंक मिलना चाहिए। जैसे दो प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, एक जुड़ा हुआ है मैथिल, दूसरा जुड़ा हुआ है एथिल, ये एम से स्टार्ट हो रहा है, ये ए से। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहले आने वाला जो प्रतिस्थापी है उसको पहला अंक मिलना चाहिए, यानी सबसे कम अंक मिलना चाहिए। यानी कि यहाँ देखेंगे एथिल और मैथिल में ए जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाला प्रतिस्थापी है, इसलिए कम अंक इसको मिलना चाहिए। इस प्रकार से मुख्य श्रृंखला का अंकन करेंगे और उसके बाद नंबर तीसरा आता है अंत में पूर्व लग्न और अनुलग्न को जोड़ करके उसका नाम लिख दिया जाता है। इसके बाद यदि एक से अधिक प्रतिस्थापी हैं तो नाम लिखते समय एक से अधिक अंकों के मध्य कोमा और अंक एवं शब्द के मध्य हाइफन का प्रयोग करते हैं और नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ कोई यौगिक है
कार्बनिक यौगिक, ये एक कार्बनिक यौगिक है CH3, 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 CH2, CH3, 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 ये कोई कार्बनिक यौगिक है एल्केन श्रेणी का, यानी कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, इसका अपने को IUPAC नामकरण करना है। तो इसमें पहला जो नियम है कि मुख्य श्रृंखला का हम चयन करेंगे, तो इसमें मुख्य श्रृंखला एक ये बनती है, एक ये बनती है, एक ये बनती है, एक ये बनती है। मुख्य श्रृंखला का चयन करने के लिए हमें दो बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, सर्वाधिक लंबी होनी चाहिए, यानी कि उसमें कार्बन परमाणु जो है उनकी संख्या सर्वाधिक होनी चाहिए। यदि इसको मुख्य श्रृंखला के रूप में चयनित करते हैं या मानते हैं, तो इसमें कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 आते हैं। यदि हम इसको मानते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 आते हैं, और प्रतिस्थापी जो है इसका चयन करते हैं तो 3 बचते हैं, इसका चयन करते हैं तो भी 3 बचते हैं। कहने का मतलब सर्वाधिक लंबी जो है वो 5 कार्बन की होगी और 3 प्रतिस्थापी की होगी। इस प्रकार से यदि समान आते हैं तो सामान्यतः हम जो सीधी श्रृंखला होती है उसे ही मुख्य श्रृंखला के रूप में चयनित कर लेते हैं। ये हो गई मुख्य श्रृंखला। अब जैसे ही मुख्य श्रृंखला का चयन हो गया, उसके बाद में नंबर 2 आता है मुख्य श्रृंखला का अंकन। मुख्य श्रृंखला का अंकन हम उस दिशा से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी को सबसे कम अंक मिले। प्रतिस्थापी देखो इधर से एक दिशा ये है, एक ये है, इधर से करेंगे तो प्रतिस्थापी को 1, 2, 2 नंबर पे प्रतिस्थापी आ जाता है। इधर से करते हैं 1, 2, 2 नंबर पे प्रतिस्थापी आ जाता है। दोनों प्रतिस्थापी मैथिल हैं, ये भी मैथिल है, ये भी मैथिल है, ये भी मैथिल है, तीनों प्रतिस्थापी जो हैं वो मैथिल हैं, ये भी मैथिल, ये भी मैथिल, ये भी मैथिल। कहने मतलब चाहे इधर से कर दो चाहे इधर से कर दो, प्रतिस्थापी जो है वो 2 नंबर पे ही मिलता है। तो इधर से नंबरिंग हो गई 1, 2, 3, 4, 5। जैसे ही नंबरिंग हो जाती है उसके बाद में अपन प्रतिस्थापी एक से अधिक हैं, समान हैं, तो प्रयुक्त शब्द जो है उसका इस्तेमाल करते हैं संख्या के आधार पर। यहाँ तीनों प्रतिस्थापी जो हैं समान हैं और तीनों मैथिल लगे हुए हैं, तो 3 के लिए अपन प्रयुक्त शब्द जो है ट्राई उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा ट्राई मैथिल। अब देखो मैथिल जो है वो किस किस अंक के ऊपर जुड़ा हुआ है, 2 पर जुड़ा हुआ है, 3 पर जुड़ा हुआ है, 4 पर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ अंक लिखेंगे 2, 3, 4, क्योंकि अंक एक से अधिक आ गए, उनके बीच कोमा लगाएंगे। अब अंक और शब्द है उसके बीच हाइफन लगा देंगे और लिख देंगे ट्राई मैथिल। ये यहाँ तक प्रतिस्थापी हो गया। आप जो मुख्य श्रृंखला में देखो कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन परमाणु हैं, तो इसका पूर्व लग्न होगा पेंट और अनुलग्न इसमें देखो एकल बंध है तो एन, ये हो जाएगा पेंटेन। 2, 3, 4 ट्राई मेथिल पेंटेन। इस प्रकार से हाइड्रोकार्बन जो है उसकी एल्केन श्रेणी में नामकरण किया जाता है। इसके अन्य उदाहरण जो हैं वो कल अपन दोबारा से इसी में अध्ययन करेंगे। ओके।